हेलो एवरीवन, मैं जो भी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है विशेषण एडजेक्टिव्स। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए देखते हैं आज के टॉपिक क्या है हमारा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स दैट इज विशेषण। विशेषण मतलब हमारा ये है, इससे जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। Adjectives are the words or the clauses. Adjective are the words or the clauses that ठीक है। एडजेक्टिव्स वो होते हैं, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स और क्लॉजेस दैट शोस द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एंड गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। लिखता है मैंने, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं और उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज क्लियर है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं और उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, विशेषता बताने वाले वर्ड्स विशेषण कहलाते हैं। इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लेते हैं एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। जैसे दिया है टॉल ट्री, ट्री के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ट्री क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है। और किसने बताया हमें? किसने बताया टॉल ट्री? ये वर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यू शूज, नए जूते। जूतों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, कैसे जूते हैं, नए जूते हैं। तो जो न्यू वर्ड है ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। यहाँ पर देखेंगे स्वीट केक के बारे में बताया जा रहा है। केक क्या है? हमारा नाउन है। स्वीट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। ब्लैक डॉग के बारे में बताया जा रहा है, कैसा डॉग है। डॉग हमारा नाउन है और ब्लैक वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। हॉट मिल्क, गर्म दूध। दूध कैसा है? गर्म है। कैसे, कहाँ से बताया जा रहा है? ये वर्ड हमें बता रहा है दूध गर्म है। तो मिल्क हमारा हो गया नाउन, हॉट हमारा हो गया एडजेक्टिव। सैड गर्ल, सैड गर्ल, गर्ल कैसी है? दुखी है। गर्ल हमारी नाउन है और ये वर्ड जो बता रहा है गर्ल कैसी है वो हमारा एडजेक्टिव है। सैड हैप्पी है ना। और सार ग्रेप्स मतलब खट्टे अंगूर। अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। अंगूर हमारा ये वर्ड जो है ग्रेप्स, ये हमारा नाउन है। सार वर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। शॉर्ट स्टोरी, SHORT, शॉर्ट स्टोरी। कहानी कैसी है? छोटी है। कहानी के बारे में बता रहा है ये वर्ड हमें शॉर्ट, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा और ये हमारा नाउन होगा।
कोल्ड वेव, ठंडी हवा। वेव की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है, ठंडी है या गर्म है। कोल्ड वेव ठंडी हवा, और वेव यहाँ पर नाउन हो गया, कोल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। ग्रीन लीव्स, लीफ होता है एक पत्ती, लीव्स होती है कई सारी पत्ती, हरी पत्तियां, तो नाउन हो गया ये हमारा लीव्स। और ग्रीन पत्तियां कैसी हैं, ये वर्ड हमें बता रहा है पत्तियां कैसी हैं, हरी हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। न्यू शूज, ऊपर पढ़ चुके हैं, न्यू मीन्स नए, शूज मीन्स जूते, तो ये हमारा बता रहा है कैसे शूज हैं, ये वर्ड बता रहा है न्यू है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, शूज हमारा नाउन हो गया। ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, पौधे कैसे हैं, हरे हैं, ये वर्ड हमें बता रहा है पौधे कैसे हैं, पौधों की विशेषता बता रहा है हरे हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। हाई माउंटेन, ऊंचा पर्वत, माउंटेन यहाँ पर नाउन हो जाएगा और हाई वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाई माउंटेन, ये माउंटेन की विशेषता बता रहा है कि पर्वत कैसा है, ऊंचा है। वाइज पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति, तो किसी पर्सन की विशेषता बताई जा रही है कि वो बुद्धिमान है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं एडजेक्टिव को यहाँ पर सर्कल करती जा रही हूँ। जो आप यहाँ पर देखिए, बिजी रोड, रोड के हमारा नाउन है, बिजी वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रोड की विशेषता को बता रहा। इंटेलिजेंट गर्ल, लड़की की विशेषता बता रहा है, बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डिलीशियस मील, खाने की विशेषता बता रहा है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट है ना, तो खाने की विशेषता जो ये वर्ड बता रहा है हमारा एडजेक्टिव है। स्लो टर्टल, टर्टल के बारे में बता रहा है स्लो, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। वाइट काइट, काइट का कलर बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये हमने यहाँ पर देख लिया कुछ एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। कलर भी यहाँ पर कलर शो कर रहा है, यहाँ पर इंटेलिजेंस शो कर रहा है, यहाँ पर स्लो, फास्ट, ऐसे है ना, यहाँ पर कलर, यहाँ पर न्यू नया है, कोल्ड ठंडा, हॉट शॉर्ट छोटा, मतलब ये सारे जो वर्ड हैं, टॉल न्यू स्वीट ब्लैक हॉट सैड सार शॉर्ट कोल्ड ग्रीन न्यू ग्रीन वाइट स्लो डिलीशियस इंटेलिजेंट बिजी वाइज हाई, ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव्स यूज, प्रेडिकेटिव यूज। तो क्या होता है एट्रीब्यूटिव यूज में, इसमें जो है वो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, इसमें एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। दो ही तरीके से ये यूज होते हैं एडजेक्टिव्स, या तो नाउन से पहले तुरंत, पहले तुरंत बाद में आएंगे, या फिर ये देख लीजिए दूसरा यूज यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज में, हमने लिखा सी इज एन इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर हमने लिखा था सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एट्रीब्यूटिव यूज में हमने क्या लिखा था, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। लड़की की विशेषता बताई जा रही है, गर्ल क्या हो गया नाउन, गर्ल क्या हो गया नाउन हो गया, और कैसी है इंटेलिजेंट है, तो ये हमारा किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता यहाँ पर बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है, तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया ये वर्ड, ठीक है। तो कहाँ आया ये, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, नाउन से पहले आया है, यहाँ पर यही हमने लिखा एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये हमारा एक रूल हो गया। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है, गुड वर्ड जो है बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बॉय हमारा नाउन होता है, बॉय हमने पढ़ा है ना, नाउन होता है कॉमन नाउन। और यहाँ पर देखेंगे प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, जब भी एडज
एडजेक्टिव ये लास्ट में आएगा, ठीक है, वर्ब के साथ में आएगा तो वो हमारा प्रेडिकेटिव हो जाएगा। जैसे सी इज इंटेलिजेंट, अब ये क्या है हमारी इज जो हमारी हो गई वर्ब हो गई, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सी वह, तो नाउन हमारा हो गया ये, सी हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, सी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, सी इज इंटेलिजेंट, विशेषता बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव विशेषता बताने के लिए नाउन की जरूरत तो पड़ेगी ना, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ये हमारा प्रोनाउन यहाँ पर दिया गया है सी। सी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं, जैसे राम की जगह पर हम ही यूज कर लेते हैं और सीता की जगह पर हम सी यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बताया था नाउन वाले पार्ट में, पर यहाँ पर देख लो आप, अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, उसे जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ये जो सी दिया हुआ है ये प्रोनाउन है, मैंने डेफिनेशन में बताया था नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, ये प्रोनाउन हो गया हमारा, एज ए नाउन लेंगे यहाँ पर, प्रोनाउन हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के साथ में जब एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब के साथ में आ रहा है एडजेक्टिव, तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे वर्ब प्लस ये हमारा प्रेडिकेट यूज होगा, एट्रिब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, प्रेडिकेटिव यूज में वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ओके, इज इट क्लियर। द वुमेन इज काइंड, वुमेन कैसे काइंड, तो वुमेन इज काइंड, वुमेन की क्वालिटी को यहाँ बताया गया है, वुमेन की क्वालिटी को यहाँ बताया गया है, वुमेन कैसी है काइंड, काइंड वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये इसके बाद वर्ब के बाद आ रहा है, इस क्या है यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के साथ में आ रहा है तो हमारा प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। आप चीज ये चीज को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी वर्ब के साथ में आएगा तो ये प्रेडिकेटिव यूज होगा, एट्रिब्यूटिव यूज में हमेशा एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा, एडजेक्टिव पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा, ठीक है। और जब भी वर्ब के साथ में आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, वर्ब के साथ में आ रहा है इज काइंड, एडजेक्टिव है वर्ब है, तो हमेशा क्या होगा प्रेडिकेटिव यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी सीम्स ड्रंक, सी सीम्स ड्रंक, तो यहाँ पर जो सीम्स वर्ड है ये हमारा क्या हो गया वर्ब, और ड्रंक हमारा हो गया एडजेक्टिव, किसके बारे में बात हो रही है सी, सी के बारे में बता रहा है ड्रंक, है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, वर्ब के साथ आया इसलिए प्रेडिकेटिव यूज है। एवरीथिंग इज फनी, एवरीथिंग सब कुछ के बारे में बात हो रही है, कैसा है फनी है, कैसा है फनी है, फनी वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, और ये इज वर्ब है, ये वर्ब के साथ में आया है तो ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा, वर्ब के साथ में एडजेक्टिव आया है यहाँ पर, ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज, वर्ब और एडजेक्टिव देख लीजिए, चलिए वर्ब पहले फिर एडजेक्टिव, वर्ब एडजेक्टिव यहाँ पर देखेंगे, एडजेक्टिव फिर नाउन, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन, यहाँ पर एक भी सेंटेंस में नाउन नहीं है, इसके बाद में नाउन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द मैंगो इज सार, आम खट्टे हैं, ठीक है, खट्टा वर्ड आम की विशेषता बता रहा है, खट्टे हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, इज वर्ब है हमारी तो ये भी हमारा प्रेडिकेटिव यूज हो गया, वर्ब के साथ में सार आ रहा है और ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज में होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो ये हमारा हो गया वर्ब प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए और देख लेते हैं यहाँ पर,
ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनका हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होगा, एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होगा। जैसे हमने अलोन ले लिया, सी इज अलोन, वह अकेली है, ठीक है, ये वर्ड हमारा बिल्कुल, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ऐसे ही हम यहाँ ले लें मैंगो, अभी लिया था हमने मैंगोज, ठीक है, आम कैसे हैं, खट्टे हैं, तो ये हमेशा लास्ट में आ रहे हैं वर्ड, अलोन, चार, अशेव, अवक, अवक, अलर्ट, अलाइव, असलीप, असलीप, फॉन्ट, अफ्रेड, ये सारे वर्ड हमारे प्रेडिकेटिव यूज में ही यूज होंगे, एट्रीब्यूटिव यूज इनका नहीं होता है, इन वर्ड्स का एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ ले लें अलोन, सी इज, सी इज यहाँ पे इंटेलिजेंट की जगह हमने कर दिया अलोन, अलोन गर्ल, सेंटेंस सही लग रहा है क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस यही वाला राइट है, सी इज एन अलोन गर्ल लिखेंगे अगर, तो ये हमने पहले लिख दिया है, नाउन से पहले लिख दिया है एडजेक्टिव, और ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये वाले वर्ड्स हमें हमेशा प्रेडिकेटिव यूज में ही लेने हैं, प्रेडिकेटिव यूज में ही आएंगे, एट्रीब्यूटिव यूज में ये गलत होगा। अगर आपको सेंटेंस मिलता है सी इज एन अलोन गर्ल, तो ये गलत होगा, यहाँ से अलोन हटा देना है, ठीक है, या नहीं, इसको आपको करेक्ट करने के लिए यहाँ से गर्ल हटा दीजिए, सी इज अलोन, सी इज अलोन हो जाएगा, सी इज अलोन हो जाएगा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं एडजेक्टिव के, वो देख लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दीज डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, ये किसी भी पर्सन और थिंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने ले लिया आम, खट्टे थे, पढ़ लिया था, सेब मीठे हैं, है ना, तो ये चीज जो हो गया, सेब का कलर कैसा है, सेब रेड कलर के हैं, ऐसे जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है येलो कार, कार की विशेषता, कार का कलर बताया जा रहा है यहाँ पर कैसा है, येलो, कार का कलर बताया जा रहा है यहाँ पर कैसा है, येलो, ये हमेशा क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर कार की क्वालिटी बताई जा रही है येलो कलर की है, ये येलो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर येलो वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है हमारा, येलो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, ए शॉर्ट मैन, आदमी के बारे में बात हो रही है, कैसा है, शॉर्ट मैन, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट वर्ड जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी हाउ मच, है ना, कितना है, क्वांटिटी की बात करते हैं, हाउ मच, हाउ मच करके बोलते हैं, क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो बोलते हैं हाउ मच, कितनी है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इस तरीके के एडजेक्टिव जो होते हैं वो हाउ मच के बारे में बताते हैं। देयर वाज नो राइस लेफ्ट आफ्टर द चिल्ड्रन एट, एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, देयर वाज नो राइस लेफ्ट आफ्टर द चिल्ड्रन एट, बच्चों के खाने के बाद उसमें कोई चावल नहीं बचे, नो राइस, नन, नो मीन्स नन, कितना चावल बचा, बिल्कुल नहीं बचा, नो राइस, ठीक है, ये जो नो वर्ड यहाँ पर है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये जो नो वर्ड यहाँ पर आया है सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव। ऐसे देख लेते हैं सम मिल्क, मिल्क के लिए सम ही यूज करोगे ना, है ना, मिल्क की कोई गिनती तो होती नहीं है, मिल्क के लिए सम यूज करोगे ना, राइस के लिए, राइस को गिनोगे तो नहीं, तो उसके लिए भी ऐसे ही, और यहाँ पर दिया है सम मिल्क ड्रॉप बाय द स्मॉल बॉय, कुछ दूध जो है गिर गया एक छोटे लड़के के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सम वर्ड है ये भी हमारा एडजेक्टिव है।
ये भी हमारा एडजेक्टिव है। कहने का मतलब है जैसे कुछ वर्ड होते हैं सम, नो, है ना, तो ये क्वांटिटी को बताते हैं कि चावल की क्वांटिटी कितनी थी, नो मतलब नन, बिल्कुल थे ही नहीं, मिल्क जो था वो थोड़ा था, ये क्वांटिटी को बता रहे हैं यहाँ पर दूध की, यहाँ पर चावल की, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी पोजीशन को पॉइंट आउट करते हैं, जब भी पोजीशन को शो करते हैं, पॉइंट्स टू पोजीशन, पॉइंट्स टू दीज एडजेक्टिव, पॉइंट्स टू पोजीशन। जैसे कोई चीज़ मेरी है या तुम्हारी है, वो चीज़ हो गई हमारे यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कभी बोलते हैं ना वो कार मेरी है, तो यहाँ पर माई वर्ड आ गया। ये सेलफोन तुम्हारा है ना, योर वर्ड आ गया। ये वर्ड्स जो होते हैं पोजीशन को सो यहाँ पर कर रहे हैं, और इस सब के साथ में नाउन लगता है माई कार, अवर स्कूल, है ना, योर होम, है ना, ऐसे ये वर्ड जो है इनके साथ हमेशा नाउन आएगा और ये पोजीशन को सो कर रहे हैं। वैसे ये वर्ड हमने पढ़े थे ना, ये वर्ड अभी नहीं पढ़े, तो ये वर्ड यहाँ पर पोजीशन को सो कर रही हैं। प्रोनाउन में होते हैं ये, प्रोनाउन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो जब पढ़ाऊंगी तब बात करूंगी, अभी यहाँ पर देखते हैं। तो ये वर्ड्स जो है पोजीशन को शो कर रहे हैं, माई कार, माई लैपटॉप, माई वॉच, है ना, योर हाउस, योर कार, है ना, योर फोन, योर कैमरा। तो ये वर्ड्स जो है पोजीशन को शो कर रहे हैं, इनके साथ में हमेशा नाउन आएगा, है ना, योर कार, है ना, तो मैंने बोला योर के साथ में कार वर्ड आ गया, वो नाउन हो गया। तो ये वर्ड्स जो हमारे होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। देख लीजिए, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स, सबके साथ में नाउन आता है, नाउन इन सबके साथ में आएगा कंपल्सरी। योर बुक, अब देखो यहाँ पे बुक की बात हुई, इसके साथ में क्या आया, योर आ गया, ठीक है, योर बुक, तुम्हारी किताब, इज लाइन ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ी है, ठीक है। दिस इज माई बाईसाइकिल, अब यहाँ पर बाईसाइकिल की बात हुई, किसकी, माई, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। माई बाईसाइकिल ये हमारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर योर बुक में योर हमारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। समझ गए आप लोग, नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पॉइंट टुवर्ड्स ए नाउन, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं जो एडजेक्टिव, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे नाउन की बात की जा रही हो, जैसे दोज शूज आर वर्थ बाइंग, वो जूते, वो पॉइंट आउट करके जब बोला जा रहा है, वो जूते तो है ना आर्थ वर्थ वाइन, खरीदने लायक नहीं है, वो जूते खरीदने लायक नहीं है। दैट बॉय इज सो क्यूट, दैट बॉय, वो लड़का, है ना, तो यहाँ पर जो ये यूज हो रहे हैं ये वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसमें चार ही वर्ड होते हैं, फोर वर्ड्स होते हैं, कौन से, दिस दैट दी दोस, दिस दैट जो हमारा होता है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर होता है, और ये हमारे प्लूरल होते हैं, दीज दोस हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। दिस दैट हमारा सिंगुलर होता है, दीज दोस हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जब भी हम नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे, और इसके कुछ ये भी हैं, कभी एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाते हैं, एग्जैक्ट चीज़ को नहीं बता पाते, तो सम बोल देते हैं, सम मतलब थोड़ी, एनी मतलब कोई, फ्यू, है ना, मैनी, बहुत, एक्सेट्रा, ऐसे। तो यहाँ पर दे शोज द नंबर
दिस वॉज द नंबर काउंट ऑफ This was the number count of the noun. This was the number count of the noun. ठीक है. They answer the question how many. हमने पीछे बात की थी वो था how much. अब ये हमारा यहाँ पर आ गया how many. नंबर की जब बात आती है तो हम बोलते हैं how many. जब भी ऐसी चीजें milk, water ये तो how much. यहाँ पर जब आता है नंबर की तो हाउ मैनी कितने हैं. ठीक है. नंबर की जैसे 1, 2, 3, 100 जो भी है नंबर्स होते हैं. ठीक है. हाउ मैनी का यूज करेंगे यहाँ पर. हाउ मैनी का आंसर करते हैं विदिशा हैज टू ड्रेसेस. विदिशा हैज टू ड्रेसेस. कितनी ड्रेसेस हैं? टू. तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है. विदिशा हैज टू ड्रेसेस. विदिशा है, विदिशा के पास दो ड्रेसेस हैं. तो जो टू वर्ड है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. गिनती बता रहा है हमारी, काउंटिंग बता रहा है कितनी है. वी हैव सम फ्रेंड्स. अब ऐसे गिनती नहीं पता है. चलो मैंने जैसे यहाँ बताया सम, एनी, फ्यू, मोर, मैनी, ऐसे वर्ड का भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कितनी कितनी कितने हैं. तब हाउ मैनी कितने हैं हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता था, हम सम, एनी, फ्यू, मैनी का यूज करते हैं. तो यहाँ पर लिखा है वी हैव सम फ्रेंड्स हियर. सम वर्ड जो हमारा है वो एडजेक्टिव है. ठीक है. और ये इनके दो टाइप होते हैं इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में. एक होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल. कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर जो हमारी गिनती जैसे बताया है यहाँ पे टू ड्रेसेस. ठीक है. ये हमारी गिनती को बताता है जैसे 2, 4, 6, 10, 8, 15,000, 10,000. ठीक है. 1,000, 10,000, lakhs. ठीक है. ये हमारा जो नंबर, ये कार्डिनल नंबर हमारे जो होते हैं वो हमारे नंबर्स को बताते हैं. और ये हमारे ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो हमारी रैंक को शो करते हैं. रैंक शो करते हैं, रैंक को बताते हैं कौन सी रैंक है. जैसे फर्स्ट, फिफ्थ इन द क्लास, फर्स्ट इन द रो, है ना. ये हमारे रैंक को बता रहे हैं कि कौन सी रैंक है. ऑर्डिनल नंबर हमारी रैंक को बताते हैं, कार्डिनल नंबर हमारे नंबर्स को बताते हैं कितने नंबर हैं. ऑर्डिनल हमारी रैंक को बताते हैं कौन सी रैंक है. जैसे फर्स्ट इन द रो, फिफ्थ इन द क्लास, है ना, थर्ड पोजीशन इन द बैच, है, थर्ड पोजीशन इन द क्लास, ऐसे इस तरीके से ये हमारे रैंक को बताते हैं. वो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं. और जो काउंटिंग इसमें बता रहे हैं वो हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ए लिस्ट ऑफ सम एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव हैव डिफरेंट टाइप्स. एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप होते हैं. द कलर ऑफ द थिंग्स. द कलर ऑफ द थिंग्स मीन्स किसी, मतलब कलर की जब बात होगी किसी के बारे में कलर बताया जाएगा तो वहां पर एडजेक्टिव होंगे ये रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, है ना, ये एक्सेट्रा. कलर की बात है, कलर ऑफ द थिंग्स, चीजों के कलर के बारे में. शेप एंड साइज ऑफ द थिंग्स. जैसे राउंड है, रेक्टेंगल है, बिग, स्मॉल, टिनी, लार्ज, कोई भी चीज है, कोई भी थिंग है, वो राउंड, रेक्टेंगुलर, बिग, स्मॉल, थिंग, लार्ज, ऐसे, है ना, टिनी, लार्ज. एज ऑफ पीपल. एज ऑफ पीपल. एज ऑफ पीपल क्या होगा? यंग, ओल्ड. एज को बताते हैं. ठीक है. नंबर बताते हैं 1, 2, 3, 100,000. साउंड के बारे में बताते हैं लाउड, सॉफ्ट, हॉर्स, एक्सेट्रा. टेस्ट के बारे में बताते हैं स्वीट, सार, बिटर, एक्सेट्रा. हाउ थिंग्स फील टू टच. हाउ थिंग्स फील टू टच उनके जो थिंग्स है वो टच करने पर कैसी हैं, महसूस कैसा होता है, हॉट, कोल्ड, हार्ड, एक्सेट्रा. ठीक है. फीलिंग ऑफ
पीपल और एनिमल्स, एनिमल्स और पीपल की फीलिंग्स के लिए जो यूज होगा यहाँ पर, एंग्री, सैड, हैप्पी, हंग्री, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं और ये सब इस तरीके से हमारे नाउन और नाउन की विशेषता को बताते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर एग्जांपल्स। हमने अभी पढ़ा था पीछे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पढ़ चुके हैं हम अभी की क्लास में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, हैप्पी, सैड, स्मॉल थिंग, हैप्पी, डू, ये चीजें जब बताते हैं किसी थिंग के बारे में, ठीक है, तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितनी है चीजें, क्वांटिटी बताते हैं, मैनी, सम, मच, ऑल, कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है ना, वो चीज। पजेसिव एडजेक्टिव्स अभी पढ़ाता हमें माय, पजेशन सो कर रहा ना, माय अंकल, जिसके अंकल अभी मेरे अंकल हैं, माय अंकल इज एन इंजीनियर, तो माय जो वर्ड है यहाँ पर वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक है, दिस जो वर्ड है हमारा, ये पढ़ा था ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड जो होते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। तो दिस मैंगो, ये है मैंगो, ठीक है, ये है मैंगो जो है स्वीट है, वहां हमने पढ़ा था वो शार्प है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर्स को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, रैंक को बताते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो हमारे रैंक को बताते हैं, हमारी पोजीशन को बताते हैं, हमारे नंबर्स को बताते हैं, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, ये हमारी पोजीशन को बता रहे हैं, हम नंबर को बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ सेंटेंस दिए थे, उनमें आपको आर्टिकल फिल करके बताने थे, कौन सा आर्टिकल किस में आएगा, आपने कुछ भी आंसर नहीं किया, आप लोगों ने तो भाई कुछ भी कमेंट में आंसर नहीं किया, तो क्या फ़ायदा है ऐसे देने का, आंसर करो आप लोग, दो मैं छोड़ भी दूँ आप करो भी नहीं, तो मैं ही बता देती हूँ, चलो, स्पॉट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें इसमें एडजेक्टिव्स को स्पॉट करना, चलो अंडरलाइन करते जाएंगे जो भी इसमें हमारे एडजेक्टिव्स हैं। श्वेता हैज ए सॉफ्ट वॉइस, किसकी बात हो रही है, श्वेता की वॉइस की बात हो रही है, वॉइस कैसी है, सॉफ्ट है ना, मधुर आवाज, तो वॉइस की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, वॉइस की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे, वी शो ए ब्लैक क्रो ऑन द ट्री, हमने ट्री पर एक काला कौवा देखा, कौवे की बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ये वर्ड इसको बता रहा है कैसे कलर का था, ठीक है, ब्लैक था, ब्लैक क्रो, तो ब्लैक जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे, सी शेखर हैज ए बिग बैग, शेखर के पास एक बड़ा बैग है, बैग और बिग लगा हुआ है ना, बिग जो वर्ड है ये बता रहा है शेखर का बैग कैसा है, बिग है, छोटा नहीं है, बिग है, बड़ा है, तो बिग वर्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, डू यू वांट स्वीट मैंगोज, क्या तुम्हें स्वीट मैंगोज चाहिए, मैंगोज की क्वालिटी बता रहा है कैसे चाहिए, खट्टे चाहिए, मीठे चाहिए, कैसे चाहिए, तो स्वीट चाहिए ना, स्वीट जो वर्ड हो गया ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। द रेनबो हैज सेवन कलर्स, रेनबो के बारे में बात हो रही है, सेवन कलर्स, कलर्स होते हैं रेनबो में, सेवन होते हैं, तो ये वर्ड जो हमारा बता रहा है रेनबो के कलर कितने होते हैं, सेवन, सेवन होते हैं, तो सेवन वर्ड जो हमारा होगा ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, समझ गए आप लोग।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर लॉगिन टेलीग्राम अकाउंट पर पीडीएफ देख सकते हैं इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम वॉरियर स्टडी चैनल, एग्ज़ाम वॉरियर स्टडी चैनल हमारा टेलीग्राम का है, तो उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हो, जो भी एडजेक्टिव के बारे में। आज बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाई, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके जो पोजीशन के बारे में, इसकी डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। और आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।